हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सेक्शन 19 जो आईपीसी का है, जज कि जज कौन होता है। अगर डायरेक्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ कि द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, कि जज उसको इंक्लूड नहीं करता कि जो एक ऑफिस में अपॉइंट किया किसी बंदे को डेजिग्नेशन दे रखी है, वो जज नहीं है। बट आल्सो साथ में इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रहा है कि कौन और कौन हो, इनके अलावा और कौन हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, कि जो लॉ से एम्पावर्ड है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, ए डेफिनेटिव जजमेंट। ये कह रहा है कि डेफिनेटिव जजमेंट यानी वो जो जजमेंट आ रही है वो लास्ट है, वो फाइनल है। और ए जजमेंट विच, या एक ऐसी जजमेंट विच इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, जिसकी अपील नहीं हुई है, वुड बी डेफिनेटिव। तो वो क्या होंगी, उसकी अपील नहीं हुई है तो वो डेफिनेटिव होंगी। या फिर और ए जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाई सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, या उस जजमेंट को किसी दूसरी जो अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है, वो कन्फर्म करती है, तब भी वो एक डेफिनेटिव जजमेंट होगी, यानी फाइनल होंगी वो। अब इसमें और कह रहा है साथ में कि हु इज़ वन ऑफ ए बॉडी ऑफ पर्सन विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाई लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, कि कोई एक पर्सन है किसी जो बॉडी ऑफ पर्सन एम्पावर्ड लॉ ने कर रखा है जिनको जजमेंट देने के लिए, वो कोई जजमेंट दे रहा है तो वो भी अपने आप में क्या है कि जज है। तो इस सेक्शन में जो आईपीसी में बताया गया कि जो एक ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है वो जज नहीं है, उनको हम जज नहीं मानेंगे, वो तो जज है लेकिन साथ में किसी भी कोई भी लॉ में ने किसी को एम्पावर्ड कर रखा है। जैसे इसकी इलस्ट्रेशन हम डी पढ़ते हैं, जब तो डी इलस्ट्रेशन बताती है हमें कि ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। तो यहाँ पे कह रहा कि अगर मान लीजिए कि एक मजिस्ट्रेट है, वो उसको एम्पावर्ड है कि भाई आप इस केस को कमिट कर सकते हो सिर्फ, यानी कमिट आप कर सकते हो लेकिन आप उसका ट्रायल नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि आप जज नहीं हो, आपके पास सिर्फ कमिटिंग ही पावर है। कमिटिंग का मीनिंग यहाँ पर है कि आप किसी केस को ऊपर भेज सकते हो। तो अगर आपके पास उस केस में ट्रायल और डिस्पोज करने की पावर नहीं है, कि आप डेफिनेटिव जजमेंट अगर आप नहीं दे सकते तो आप जज नहीं है। तो थैंक यू, इस वीडियो में आपने जाना कि जज क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। सो थैंक यू फॉर दिस।